मंदिरों पर बुलडोजर चलने से पहले आया स्टे ऑर्डर, गूंज उठे जय श्री राम के नारे। कैंट के प्रमुख धार्मिक स्थलों को हटाने जाने को लेकर आज 4 जनवरी की सुबह से जो गहमागहमी बनी हुई थी, शाम होते ही उस पर विराम लग गया। दरअसल मंदिरों को भवनों को तो ना तोड़े जाने को लेकर एमपी हाईकोर्ट में दाखिल आवेदन पर सुनवाई, उपरांत कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। यह जानकारी मीडिया को कैंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष चिंटू चौकसी ने दी। स्टे मिलने की सूचना मिलते ही बाबादीन चौक स्थित हनुमान मंदिर के में पूजन शुरू हो गई। लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। दरअसल आज प्रस्तावित कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए कैंट बोर्ड और रक्षा संपदा विभाग के अधिकारियां तय समय पर कैंट पुलिस थाने पहुँच गई। वहीं जिन धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया था वहाँ भी काफ़ी हलचल बनी हुई थी। मंदिर के अंदर भजन कीर्तन हो रहा था तो सड़क पर नारेबाजी चल रही थी। इस बीच बाबादीन चौक स्थित हनुमान मंदिर स्थित कांग्रेस के नेता अभिषेक चिंटू, अमरचंद बाबरिया, राहुल रजक ने पुलिस एवं प्रशासन के आला अधिकारियों को बताया कि उन्होंने एमपी हाईकोर्ट में अर्जेंट हेयरिंग के लिए आवेदन लगाया था। आवेदन पर सुनवाई हो जाने तक जनभावना को ध्यान में रखते हुए उन्हें कुछ घंटों का समय दिया गया है, जिसके चलते कार्रवाई कोर्ट सुनवाई तक रुकी रही। उल्लेखनीय है कि एमपी हाईकोर्ट में शासकीय भूमि पर बनाए गए वे यातायात में बाधक धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया गया। इस मामले में याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि 2014 से अवमानना याचिका लंबित के बाद भी अभी तक कई धार्मिक स्थलों को नहीं हटाया गया, जिसके बाद एमपी हाईकोर्ट ने तत्काल बचे हुए धार्मिक स्थल हटाने के निर्देश दिए। एमपी हाईकोर्ट को पूर्व में शासकीय भूमि पर बने धार्मिक स्थलों की जो सूची कैंट बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई थी, एमपी हाईकोर्ट में कैंट बोर्ड द्वारा जो धार्मिक स्थलों की सूची हुई है उसमें पहलवान बाबा चौक स्थित हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर सदर एवं बाबादी चौराहे स्थित हनुमान मंदिर को हटाया जाना था। इसके अलावा रक्षा संपदा विभाग के प्रबंधक में आने वाली जमीनों से भी मंदिर बाजार हटाए जाने की प्रस्तावित किया गया था। सदर बाजार के जो 4 प्रमुख मंदिर थे, जैसे गणेश चौमी माता माँ काली मंदिर, गली नंबर 1 में हनुमान जी का मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर और पहलवान बाबा हनुमान जी का मंदिर, जो हम लोग काफ़ी आग्रह और निवेदन कर रहे थे बोर्ड से कि ये रोड पे नहीं है और रोड से साइड पे है, लेकिन क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश था तो बोर्ड द्वारा ये कहा गया कि आप उच्च ही न्यायालय जाके इसकी बात रखें, अपना पक्ष रखें। तो आज हमारे वकीलों द्वारा वो उच्च न्यायालय में पक्ष रखा गया, जिस पे आज अभी ये जानकारी आई कि स्टे हो गया है और अब आगे की प्रक्रिया चारों समिति जो बैठ के चर्चा करके निर्णय लेंगे कि ये जिस तरह सरकार लीज पे ज़मीन देती है तो ये प्रतिष्ठित मंदिर है 100-100 सवा साल पुराने, तो इनको भी लीज पे दे